माँ के लिए भी कुछ जिया सोची है, लेगी सरप्राइज है। हाँ, चलते हैं। तो क्रियांश आ गया है दादी के लिए शॉपिंग करने के लिए। लोगों की पसंद का कोई बात नहीं जी, माँ को क्या पसंद है वो देखा जाएगा। तो यहाँ से लेकर के चले गए सारी अरवा मालूम, चलो मम्मी को पसंद नहीं आया। हाँ। तो माँ कैसा लगा आपको ये साड़ी? नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने स्नेह ब्लॉग में। तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 7 और यही जो है परफेक्ट समय है हमारे शॉपिंग करने का। जी हाँ, दिन भर इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है, धूप रहती है और उस धूप में जो है जाने का दिल नहीं करता है। और अभी चल रहे हैं क्रियांश को लेकर के, और क्रियांश को यहाँ पर जो है रखना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है दादा दादी के पास, क्योंकि यह जो है सीधा भागना चाहता है ऊपर। हाँ, माँ का फास्टिंग भी और क्या करेगा, उनको अच्छे से पता। बिल्कुल, तो माँ का फास्ट है तो इसलिए इसको लेकर के चलते हैं, वरना फास्टिंग में भी जो है अच्छा खासा फास्टिंग करवा देगा ये। तो गाड़ी लगी हुई है नीचे, चलते हैं, कुछ सामान सब भी खरीदना है और आज जो है माँ के लिए भी कुछ जिया सोची है लेगी, तो देखते हैं, सरप्राइज है। हाँ, चलते हैं। तो क्रियांश आ गया है दादी के लिए शॉपिंग करने के लिए। हाँ क्रियांश, शॉपिंग से ज्यादा बदमाशी कर रहा है। बिल्कुल, कुछ देर तो बिजी रखा गया कार्टून में, लेकिन उसके बाद जो है फिर अपने रंग में आ चुका है। माँ के लिए कहा ले गई, माँ परेशान कर लेता है इसलिए ले गया इसको। बिल्कुल, अगर ये घर में रह लेता तो क्या दिक्कत थी, वहीं रहता है ये। लेकिन दादी का फास्टिंग था ना तो परेशान करता है। क्या कर दादी की शॉपिंग कर रहा है? शर्मा रहा है इसमें। हमने एक साड़ी ये वाली पसंद की है, बाकी ये भी अच्छा लग रहा है। इधर इतना सारा देख रहे हैं, बाकी इंतजार है माँ का। माँ कॉल करेंगी। हम लोगों की पसंद का कोई बात नहीं जी, माँ को क्या पसंद है वो देखा जाएगा। फोटो भेजा है, कई बार जो है यहाँ से लेकर के चले गए सारी अरवा मालूम, चलो मम्मी को पसंद नहीं आया। हाँ, तो वैसे माँ ने बोला है चुनरी प्रिंट हम कॉटन में देखे, हमको पसंद नहीं आया, तो हमने ये देख लिया लक्ष्मीपति में। अब देखते हैं। तो अभी आ गए हम लोग घर। घर आके आज सभी का भोज, सभी का मतलब डैडी और इनका भोज है, माँ का फास्ट है, सिर्फ बचे हम। तो हम जा रहे हैं कुछ बना के खा लेते हैं, और क्रियांश गया है खाना खा करके अपने दादाजी के साथ वॉक करने के लिए। यहाँ पे माँ का फास्ट है तो माँ तो कुछ खाएगी नहीं, बचे हम। तो हम यहाँ पर लहसुन छील के रखे, इसको चावल को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा चावल, और जो साड़ी हमने खरीदी है वो ये वाली साड़ी है। तो माँ कैसा लगा आपको ये साड़ी? खुशी से दिया जाता है, उसका पूछा नहीं जाता कैसा लगा। वैसे हमको साड़ी खरीदने आता ही नहीं है, बस हम आज तक किसी के लिए साड़ी खरीदे हैं तो माँ के लिए। अच्छा साड़ी, ग्रीन साड़ी, सावन के लिए हमने सोचा ग्रीन साड़ी ले लेते हैं। भोला बाबा का पूजा कर लेंगे साड़ी पहन के। हाँ, देने वाले को भगवान दिन दुना रात चुना, सबका बेटा इसी तरह अपनी माँ का ख्याल रखे। हाँ, अपने बेटा के लिए सिर्फ नहीं मांगते हैं, संसार के सभी सज्जन व्यक्ति के लिए मांगते हैं, ताकि उसका बेटा इसी तरह अपने माँ बाप को इज्जत दे और माँ बाप के आशीर्वाद से आगे बढ़े। The next day. गाड़ी से नहीं जाएगा कोई? क्रियांश रेडी हो चुका है और गाड़ी खोलने के लिए तैयार है कि गाड़ी से स्कूल जाएगा। जिया आई? आई था। जिया नहीं आई? जिया आई। दादी को जय किया? ए? रियांश? एक रियांश, दादी को जय करता ना, स्कूल जाओगे। A few moments later. तो जिया जो है नया बेडशीट बिछाने वाली है, और जिया का जो है बेडशीट चेंज होती रहता है समय समय पर, कुछ ना कुछ नया नया बेडशीट आती रहता है, और इससे जो है घर में कुछ नया नया पन भी लगता है। बेडशीट पे बेडशीट चेंज बहुत अच्छा लगता है, जब भी नया बेडशीट बिछाती हूँ ना, बेड पे आकर के इतना अच्छे से ऐसे खेलेगा। बिल्कुल, तो फिलहाल तो क्रियांश गया हुआ है अपने स्कूल, तो हमने ये बेडशीट मंगवाया। मुझे ना लाइट कलर का बेडशीट बहुत अच्छा लगता है, लाइट कलर का अगर आप बेडशीट बिछाते हो तो आपका रूम बड़ा लगेगा। वैसे हमारा रूम बड़ा है भी, और भी थोड़ा रूम बड़ा लगेगा, तो ज्यादातर मैं लाइट कलर ही पसंद करती हूँ। और एक डार्क कलर मैंने मंगाया था, वो माँ को दे दिया मैंने, माँ को डार्क कलर पसंद है। ये भी बेडशीट बड़ा अच्छा था, एकदम साइड में बस खाली लगाना होता है। हाँ, बहुत अच्छा, ये भी शायद उसी टाइप का है। उसी टाइप का, हाँ, उसी मैं इसलिए इसको मंगाती हूँ उस टाइप का, क्योंकि हमारे घर में है बच्चे, और बच्चे जो है बेड से बच्चे, तो बड़े भी जो है वो भी बच्चे ही है, क्या कहूँ उनका भी। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। आज ना बच्चे आया, पहले भी तो ऐसे ही थे, तो इनको इसको लगाने के बाद जो है ना आप आराम से रह सकते हैं, इधर उधर आपका नहीं होगा, जैसे इधर उधर नहीं होता है, जब आप चाहोगे तभी हटेगा वो। तो बिछाती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे। 12 seconds later. तो हम नहा के आ गए, माँ नहा के पूजा भी कर ली, और आज ये देखिए माँ, ये लहंगा मेरा लहंगा है, बहुत सुंदर लहंगा है, खराब नहीं है, बहुत सुंदर, बहुत हल्का भी है, देखिए बहुत सुंदर लहंगा, और गर्मी में भी चलेगा, गर्मी में लाइट कलर कम गर्म होता है। अभी तीज हो जाएगा, देख बहुत सुंदर है, तीज में तो लोग हरा लाल पियर पहनेगा, हाँ, वाइट नहीं पहनेगा।
तो ये बहुत सुंदर लहंगा, ये हम बहुत पहले मंगवाए थे लेकिन पहने नहीं थे, तो अब सोच रहे हैं पहन ले। बाकी माँ पूजा करके आ गई, आजकल माँ सुबह ही नहा लेती है, डैडी कह देते हैं कि बच्चा जब से स्कूल जाने लगा ना तो खाना पीना का जो काम है सवेरे मिलजुल के हम लोग कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो काम खत्म हो जाता है फिर नहाना रहता, नहीं तो लेट हो जाता था डेली माँ को एक और दो। हमेशा और हम लोग हमारे घर में लड्डू गोपाल की पूजा मेरी बहू करती है, अभी वो भार हम ही संभाल रहे हैं। माँ कर लेते हैं उनका भार, वो तो पूरे संसार का भार संभाल, जिसको जैसे होता है हमारे घर में भार क्या संभाले। हमारे यहाँ काम का कोई बंटवारा नहीं है, जिसको जैसे मौका लगता है हम लोग अपने अनुसार करते हैं। हाँ। और हर आदमी अपने अनुसार ही चलता है, खाली परंपरा के विरुद्ध नहीं जाइए और जो समाज को अनैतिक लगे वो काम नहीं कीजिए। सही बात। और आप कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सबका अपना काम है, अपना सोच है, अपने अनुसार लोग जीता है। और कौन क्या कहता है नहीं कहता है इसकी ना मुझे पहले परवाह थी ना आज है। अगर आप अच्छा कहते हैं तो सबको अच्छा लगता है, गलत कहते हैं बाबा बैद्यनाथ के चरण में समर्पित, उसका इंसाफ करने के लिए प्रभु सक्षम है। सही बात। तो मेरे घर में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही लड्डू गोपाल का पूजा करें, जो पहले नहा लिया वो पूजा कर लेगा, ऐसा होता है, क्योंकि लड्डू गोपाल को जितना जल्दी सुबह पूजा हो जाए उतना अच्छा रहता है। तो हम जल्दी से चलते हैं, रेडी होते हैं नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। One eternity later. तो हम रेडी हो चुके हैं और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा लहंगा है और बहुत लाइट वेट है, बहुत मतलब कहते ना तो बहुत ही हल्का है, और इसका ब्लाउज भी बहुत सुंदर है, दुपट्टा तो बहुत हल्का है ही। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बताइएगा। बाकी हम आ गए हैं आज शूट करने, आज तो बहुत ही मज़ा आ गया क्योंकि बारिश होने वाली है और मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, क्योंकि जब भी मैं शूट करने आती हूँ ना तो धूप इतनी तेज़ होती है कि मैं जो फ़ोटो लेती हूँ मेरा आँख नहीं खुलता है, कम से कम आधा घंटा तो मुझे फ़ोटो लेने में लग जाता है कि एक फ़ोटो अच्छा सा आ जाए आँख खोलने में, क्योंकि इतनी धूप रहती है कि आँख खोलना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन आज बहुत ही अच्छा लगा, मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, तो चलते हैं नीचे, क्रियांश भी आ चुका है। यहाँ देख सकते हैं क्रियांश जो है बार बार चार्जर फेंक देता है और इसके पापा का 3-3 चार्जर गायब हो चुका है, तो कौन फेंकता है। आज ऑन कैमरा मैंने पकड़ लिया वो है क्रियांश। क्रियांश आप चार्जर फेंकते हो पापा का सारा, आँख बंद करने से क्या होगा। तो यहाँ पे मैं शूट कर रही थी रिंग लाइट लगा करके। आ जाओ आ जाओ क्रियांश, 7 5 6 7। क्रियांश आजकल बोलता है 5 6 7। A few moments later. हमारा सारा कुछ शूट वगैरह खत्म हो गया, क्रियांश को भी हमने खाना पीना खिला दिया ना। क्रियांश क्या शर्मा रहे हो, क्या हुआ, क्यों शर्मा रहे हो? अब क्रियांश नीनी करेगा, नीनी टाइम है ये। ये कौन सा ये क्या हो रहा है? अच्छा पापा को देख के कर रहे हो, ये कौन सा प्यार है भाई, छुपने वाला प्यार, छुपने वाला प्यार, पूछ ही देना क्रियांश। No, पूछी देना, पूछी पूछी। ओ माय गॉड कितना प्यार कर रहा हूँ। तो अब क्रियांश को सुलाते हैं, पहले सोच रही थोड़ा सा खाना खा लूँ फिर मैं इसको सुला दूंगी। हाँ क्रियांश, ये देखिए कैसे कर रहा है क्रियांश, तुम मम्मा का गला दब रहा है, मम्मा का गला दब रहा है। क्रियांश का ध्यान यहाँ पे, हमने सारा कुछ खोल के जो रखा हुआ है ना तो उसका ध्यान यहाँ पे। अरे भाई तुम सो जाओगे तो फिर मैं सब अच्छे से रख लूंगी, तो पर्दा को ढक देती हूँ मैं ताकि इसको। क्रियांश नीनी कर लो, क्रियांश नीनी कर लो आप, ठीक है? तो एक ही बार में यहाँ देख सकते हैं, अभी तुरंत हमने बिछाया था और यहाँ पे क्रियांश ने क्या लगा दिया। तो हमारा दिन का टाइम टेबल कुछ ऐसा ही रहता है, और इसके बाद मुझे लगता है अभी उतना काम नहीं है, खाना खाऊंगी फिर रेस्ट करूंगी 1-2 घंटा, फिर शाम से काम मेरा स्टार्ट होगा, घर का जो भी है सारा कुछ अरेंज करके रखना। अभी मैं बस सूट कर लेती हूँ, कपड़ा खोल के सारा कुछ खोल के रख देती हूँ, जब सो के उठती हूँ ना तब इसको सुला के फिर मैं अपना काम करती हूँ। क्या सी, और सी के बाद क्या होता है और बोलो ना, सी के अलावा, सी के अलावा क्या होता है? पुट्टी, पुट्टी होता है। ये क्रियांश ने हेयर वॉश किया है तो पूरा गीला इसका बाल। बाय कर दो, बाय। हाय नहीं, बाय। ये अपने मन से जो होता है बोलता है, आजकल OPQ सीखा है, बोले OPQ 4-5-6। क्या 4-5-6 4-5-6।